हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं चैम्पर और फिलेट कमांड। ये दोनों कमांड बेसिकली शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए यूज होती है, क्योंकि हम डिज़ाइन में कभी भी शार्प एजेस नहीं रखते। शार्प एजेस पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, इसलिए हम शार्प एजेस को फिलेट और चैम्पर अप्लाई करके रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिलेट। इससे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल, जो हमें फिलेट सीखने के लिए काम में आने वाला है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब सिलेक्ट करेंगे फिलेट। फिलेट में फोर टाइप है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर्कुलर। इसे अप्लाई करने के लिए हमें सिलेक्ट करनी है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। यहाँ पे हमारी फिलेट अप्लाई हो चुकी है। ये है फिलेट की रेडियस, जिसे हम फिलेट का रेडियस चेंज करके डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और ये डॉटेड फॉर्म में है रेफरेंस लाइन, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, जो कि है सर्कुलर ट्रिम। सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन। ये अप्लाई हो चुकी है हमारी सर्कुलर ट्रिम। यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो ट्रिम हो चुकी है। ये ट्रिम का मतलब डिलीट। तो अगला टाइप देखेंगे, जो है इलेप्टिकल। सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस, फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन। ये अप्लाई हो चुका है हमारा एलिप्स। एलिप्स में यहाँ पे है माइनर रेडियस और यहाँ पे मेजर रेडियस, जो हम डिस्टेंस देके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें ये डॉटेड फॉर्म में रेफरेंस लाइन दिखाई दे रही है। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप, जो कि है इलिप्टिकल ट्रिम। सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन। यहाँ पे सेम हमारा इलिप्स ड्रॉ हो चुका है। यह है माइनर रेडियस और यह है इलिप्स की मेजर रेडियस, जिसे हम डायमेंशनली चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में रेफरेंस लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ये चारों में से दो है सर्कुलर और इलिप्स, जिसमें डॉटेड लाइन दिखाई देती है रेफरेंस के फॉर्म में, और सर्कुलर ट्रिम और इलिप्टिकल ट्रिम में हमें लाइन नहीं दिखाई देती। बस इनमें इतना ही डिफरेंस है। अब देखेंगे हम चैम्पर। उसके लिए भी हम ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। सिलेक्ट करेंगे चैम्पर। चैम्पर में दो टाइप है, एक है चैम्पर। इसे अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन। ये अप्लाई हो चुका है हमारा चैम्पर। यहाँ पे भी हमें डॉटेड फॉर्म में लाइन दिखाई दे रही है, और ये डायमेंशन, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। चैम्पर में अगला टाइप है चैम्पर ट्रिम। बस हमें इसमें रेफरेंस लाइन नहीं दिखाई देंगी। ये अप्लाई हो चुका है हमारा चैम्पर, और यहाँ पे कोई भी रेफरेंस लाइन नहीं है। इस तरह हम चैम्पर और फिलेट का इस्तेमाल करके शार्प एजेस रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।